नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल। ये टॉपिक सभी फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी, बट हम इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑन द ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल विद द एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। तो हमारा नॉलेज इम्पार्ट करना है एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस का, कि उससे कैसे हम ओबेसिटी को और वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा कंटेंट क्या क्या रहने वाला है इस वीडियो के अंदर, हमारा है फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन कि ओबेसिटी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग ओबेसिटी, इथोलॉजिकल फैक्टर्स कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि वेट गेन होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वेट गेन होने के बाद, मेथड क्या क्या होंगे कि जिससे हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर हम एक्सरसाइजेस पे बात करेंगे और इसके बेनिफिट्स पे, और लास्ट में हमारा रहेगा इक्विपमेंट कि कोई भी ओबेस पर्सन क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करके उनकी हेल्प लेके अपने आप को फिट रख सकता है और अपना बॉडी को मेंटेन कर सकता है। तो लेट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी इम्बेलेंस होता है हमारी बॉडी में इनपुट और आउटपुट का, कि जो हम इनटेक कर रहे हैं फूड का उतना हमारा आउटपुट नहीं है, जो हम कैलोरीज या जो हम फूड हम ले रहे हैं उतना हम अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उतना हम उस इनटेक को आउटपुट में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ओबेसिटी होती है वो फैट होता है और वो एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, उससे कोई भी पर्सन हेल्दी और ओबेस दिखता है। फ्यूचर एनर्जी स्टोर करता है जो कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ओबेसिटी, कि ओबेसिटी को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, हमारा साइंटिफिक मेथड क्या है ओबेसिटी को अंडरस्टैंड करने का। तो BMI होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, जो कि WHO के द्वारा डिफाइन किया गया है। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट, ओबेज और सीवियर ओबेज। तो एक फॉर्मूला होता है BMI का, बॉडी मास इंडेक्स, इसको हम वेट इन केजी में लिखकर और इसके अपॉन में आप हाइट मीटर स्क्वायर में लिखकर आप इसको किसी भी पर्सन किसी भी इंडिविजुअल के लिए आप कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं कि वो पर्सन किस कैटेगरी में आता है। तो जो ओबेस पर्सन होगा वो डेफिनेटली 30 to 34.90 वाले जो वेट होगा जिसका, वो ओबेस या ओवर वेट होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि 5.5 इंचेस की कोई वो लेडी है, वुमेन है, वो किस तरीके से आपको उनका वेट निकाल सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आती हैं। एक टर्म होती है हाइपर ट्रॉफी, जहाँ पे भी हाइपर वर्ड आता है उसका मतलब होता है ज़्यादा। हाइपर ट्रॉफी ओबेसिटी या हाइपर प्लास्टिसिटी, इसमें क्या होता है कि इनिशियल जो साइज़ है हमारी सेल का वो ये नॉर्मल सेल है, अगर ये इनलार्जमेंट हो जाता है, इसमें फैट इकट्ठा हो जाता है, बॉडी फैट कंटेंट बढ़ता है, तो उससे बॉडी वेट भी हमारा इंक्रीज होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा सेल के अंदर, और जो किसी भी नॉर्मल पर्सन का जो वेट था वो इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक। इथोलॉजिकल फैक्टर्स, कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी भी पर्सन का वेट इंक्रीज होता है। फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी,
हेरिडिटी क्या होता है कि जेनेटिक, कि जो हमारे जीन्स हैं वो एक पर्सन के दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कैसे हैं। अगर वो हेल्दी हैं तो हमारा पर्सन, हमारा इंडिविजुअल क्या होगा, ओबेज, ठीक है। सेकंड है हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी पर्सन अगर फिजिकली एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है या रेगुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता है तो वो क्या हो जाएगा, ओबेज हो जाएगा। थर्ड है हमारा होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में वो इंडिविजुअल रहता है वो कैसा है। अगर स्कूल जा रहा है, वहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने का चांस नहीं है, तो पर्सन कैसा होगा, ओबेज होगा। हैवी मार्केटिंग ऑफ फास्ट फूड आउटलेट्स, आप जहाँ पे भी जाते हैं, लाइक मार्केट हो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, तो आपको रास्ते में बहुत साइड आपको शॉप्स दिखेंगी, अट्रैक्टिव होर्डिंग्स दिखेंगे, पोस्टर्स दिखेंगे जो कि फास्ट फूड की मार्केटिंग के लिए लगे हुए हैं। उससे कोई भी इंडिविजुअल अट्रैक्ट होता है और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो फूड बाय करके और ईट करके। फिर है हमारा एडवर्स सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेशली इन हाई इनकम कंट्रीज़। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो उन कंट्रीज़ में क्या है कि इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा, या तो जेनेटिकली आप कह सकते हैं या इन्वायरमेंट फैक्टर कह सकते हैं, कि वहाँ पर जो रेशो है हेल्दी पर्सन्स का वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट है हमारा हाई इंटेक ऑफ शुगर, स्वीट एंड बेवरेजेस। आजकल का जैसा हमारा डेली रूटीन और डेली लाइफ स्टाइल है, उसमें जो हम इंटेक करते हैं शुगर का, स्वीट्स का, वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। जैसे अभी आपको बताया था हेरिडिटी, ये पर्सन है अगर ये हेल्दी हैं तो जो इनके जीन्स हैं, जो इस ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये भी हेल्दी ही होंगे। हमारे फिर आते हैं सिम्टम्स। तो जो सिम्टम्स हैं वो दो क्लास में डिफाइन किए गए हैं, इमीडिएट और इन लॉन्गर ड्यूरेशन। इमीडिएट में क्या होगा, ब्रीथिंग लेस, तो अगर कोई इंसान ओबे हो रहा है, ओबेज हो रहा है, फैटी हो रहा है, तो उसका जो ब्रीथ है रेट वो इंक्रीज हो रहा है। फिर है हमारा स्वेटिंग, स्वेटिंग क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई इंसान एक्टिव नहीं है, हेल्दी हो रहा है, तो स्वेटिंग रेट घट जाएगा। स्नोरिंग, स्लीपिंग में आप स्नोर कर रहे हैं, ये भी एक सिम्टम है। इन एबिलिटी टू कॉप विद द सडन फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर कोई पर्सन लेजी हो रहा है, फैटी हो रहा है, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं सडन, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बैक पेन हैवी वेट की वजह से होने लगेगा, और जॉइंट पेन, क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्गर ड्यूरेशन में क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और अर्थराइटिस, वो बैक में हो सकता है, हिप, नी एंड एंकल। अर्थराइटिस जो होता है ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो कि हैवी वेट की वजह से हो सकती है। मेथड टू कंट्रोल ओबेसिटी, ओबेसिटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैलोरीज कंट्रोल करके। कैलोरीज यूनिट होती है फूड की, जो कि मेज़र करती है कि एक पर्सन जो फूड इनटेक कर रहा है वो कितनी कैलोरी का है या उसकी एनर्जी कितनी है। तो हम जितनी इंसान को नेसेसिटी है उतनी ही कैलोरीज इनटेक करें। मेडिकेशन, सर्जरी, सर्जरी बहुत लास्ट में हो सकता है, जब कोई ज़्यादा ही सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है उसमें हम यूज़ करते हैं। गैस्ट्रिक बैंडेजेस और एक्सरसाइज,
तो हम इस टॉपिक पे मेनली फोकस करेंगे एक्सरसाइज पे, कि एक्सरसाइज करके कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज एंड इट्स बेनिफिट, कि कैसे हम एक्सरसाइज करके हम अपने वेट को डिक्रीज कर सकते हैं, फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजेज हैं वो दो क्लास में डिफाइन की गई हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सरसाइज हम दो टाइप से करते हैं, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीन्स इनका जो इंटेंसिटी होगा वो थोड़ा लो होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो हमारी बॉडी पर। फास्टर मेटाबॉलिज्म रेट, जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो होता है कि रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, कि किस रेट से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है। फिर हमारा बेटर वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटर रेंज ऑफ मोशन, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, उससे जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट्स का वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इन्हांस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमारी लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है अगर हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की, कि क्या क्या बेनिफिशियल और टूल हो सकते हैं या मशीन हो सकती हैं जो कि एक ओबे पर्सन यूज़ करता है। ये मेनली जो मशीन से आपको जिम में देखने के लिए मिल जाएंगी, ट्रेडमिल, जैसे कि रनिंग और वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिकम्बेंट बाइक, ये साइकिलिंग टाइप के एक्सरसाइज है जो कि हम जिम में कर सकते हैं या घर पे कर सकते हैं, और ये वाटर रोइंग भी। ये सारी मशीन्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देते हैं। ये बाइक है, ये मशीन है, और ये वाटर रोवर है। तो समरी ऑफ दिस वीडियो, नेचुरल प्रोसेस से अगर हम वेट कंट्रोल करते हैं फिजिकल एक्टिविटी करके करते हैं तो ये बेस्ट मेथड है, जो कि ग्रेजुअली होगा बट नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको कोई भी हार्म नहीं होगा। और रिसर्च ने प्रूफ किया है कि आर्टिफिशियली मेडिकेशन करके या सर्जरी करके अगर हम वेट लूज करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे हो सकते हैं और होते हैं। तो इसलिए कोई भी इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है जो विक्टिम है ओबेसिटी का, उसके फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। उसको फैक्टर्स को पहले पता करना है कि किस वजह से उसका जो वेट है वो इतना इंक्रीज हो रहा है, और उसको नेचुरली उसको डिक्रीज करना चाहिए अपना वेट। तो ये आपके लिए वर्क है कि व्हाट इज़ ओबेसिटी, आप इसको डिफाइन करें, और डिफरेंट इक्विपमेंट यूज टू कंट्रोल ओबेसिटी, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो हम इसे यूज़ करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।